सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के काम नहीं होगा तो वो राइट जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है दैट इज नंबर वन सेकेंड इट्स अबाउट द राइट अप्रोच फॉर ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी जोग्राफी इंटरनेशनल रिलेशन हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स अगर वो सही अप्रोच आ गई तो ये आपका सेकेंड पार्ट है एंड नंबर थ्री इसी चीज को आपने डेडिकेशन से करना है प्रैक्टिस करना है एंड टाइम है ना लूप लगा के करना है

जब स्ट्रेटजी बनाओगे तो हर सब्जेक्ट में किस चीज का ध्यान रखना है पी कितना करना चाहिए पी वाई को बहुत बड़ा हुआ है सारा पी कर लो सुबह से लेकर शाम तक सारी जिंदगी उसी को डेडिकेट कर दो इट ड नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट रजिस्टर करो इस लिंक पे आपको एक्सेस मिलेगा उन सारे सेशंस का ठीक है ऑल द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आर गोइंग टू टीच यू इफेक्टिवली व्हाट यू शुड एंड शुड नॉट डू जो भी आपकी क्वेरीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो आप इन पर जाके आराम से आप पूछ सकते हो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो ठीक है इस टेलीग्राम के चैनल पर बहुत सारी चीज़ें अब हम लाइन से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इंक्लूडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर पी वाई क्यूज जो कि सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस नहीं करेगी इट्स गोइंग टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग एक्सेट्रा जो मैं बाद में आपके साथ एक डिटेल वीडियो करूँगा आप समझाऊंगा आपको क्यों हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टॉपर रिक्वायर्स राइट काइंड ऑफ इन्ग्रीडियंट्स और उसको हेल्प आउट करने के लिए एक लोकल कम्युनिटी बना रहे हैं जो कि इस चैनल के थ्रू बनेगी ठीक है सो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर कि जो अननेसेसरी आपकी ट्रबल्स हैं वो सॉल्व हो जाए एंड देट टू एट ए सिंगल पॉइंट तो इसका पार्ट बनो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो इस इन नंबर्स पर जाके अपना क्वारी बताओ एंड इवेंचली अंग वन टू वन सेशन विद द मैंटर्स एट आर इंस्टीट्यूट दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर एंड मेक श्योर कि अगले कुछ टाइम में आप एक अच्छी स्ट्रैटी बना लें उसको चार साढ़े चार महीने के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ एंड फाइनली बाई मे यू आर कंप्लीटली रेडी बहुत फ्रेश हो के आप रेडी हो कि हाँ नहीं अब तो अब आराम से एक एग्जाम निकालना ही निकालना ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच